नारवल मीडिया ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। इकबाल कहना मैं यूरोप पढ़िया जरूर हाँ, लेकिन जितनी देर रहा मेरे सर दर्द इजाफा होया, मैनू यूरोप जो कुछ नहीं मिले। ऐ नसी जा रहा है, नसी जा रहा है, उधर नसी जा रहा है, की मिलना है इन्होंने, की मिलना है। हजूर ने पता है ईद वाले दिन हजूर औरत भी आदि सन ईद पढ़न, तो हजरत बिलाल लैके हजूर औरतों वाल तशरीफ लै गया। हजूर ने उन्होंने वाज किया, हजूर ने उन्होंने तकरीर फरमाई, हजूर ने औरतों नसीहत फरमाई। तो हजरत बिलाल कहते मैं नाल सी, तो मैं इंज कपड़ा कर लिया इंज करके, तो औरतें अपने सारे जेवरात ला के मेरे कपड़े बेच रख गए। ये कहते ने जी चंदा मौलवी चंदे ना मुल्क चलाना है। मैं अगर चलिया तेन पता ही कोई नहीं, तेन जो पता ही कोई नहीं चंदे का, यह तो जो कुफर को पैसे लैके तो फिर कुफर की जंग जरूर लड़ी जा सकती। मुहम्मद अरबी के दीन की गल कोई नहीं करे। हजूर ने तबूक के मौके पर चंदे का ऐलान नहीं फरमाया। जे दीन पढ़े ही नहीं, खाली केबलों से बह के जनाब सुर्खी पाउडर औरतों को लवा के केबलों के उत्ते मुसलमानों की तर्जमानी करना, तो गल नहीं ना बनती। जे दीन नहीं है पढ़िया तो फिर पढ़ गजवा तबूक के मौके पर हजूर ने कितने व्डे चंदे का ऐलान फरमा। हजूर मुला दो भाई पैसे लियाओ, भाई पैसे लियाओ जी, पैसे लियाओ जी, माल लियाओ भाई, माल लियाओ। उस मौके पर तो उस्माने गनी फिर हजूर ने उन्होंने पैसे सोने चांदी के ढेर ना बन के लिया है, तो हजूर ने इंज उछाले उन्होंने पैसे अपनी को इंज कर। सदीक अकबर सारा माल लिया है। इन्हों पता ही कोई नहीं कि गैरों को मदद लैके वर्ल्ड बैंक को के IMF को पैसे लैके चले आओ, मसीदा के स्पीकर तो उतर सकते हैं। हाँ ना मूसे रिसालत गद्दारी तो हो सकती, कुरान दी आयत जिहाद दी कड़ियाँ तो जा सकदियां हैं, लेकिन तबूक के लिए नहीं जाया जा सकता। हाँ ये पक्की बात, तबूक वास्ते उस वे जाना है जब सदीक अकबर का माल लगना है, उस्माने गनी का माल लगना है, फारूक आजम का माल लगना है, तो हजरत अकील अंसारी दे 1 किलो खजूर आनी। गैरों को पैसे लैके ये कुछ ही होता है जो कुछ हो रहा। हाँ जी इन्हें कोई समझ ही नहीं आ रही, मुल्क इन चलते हैं। इकबाल को पूछ मुल्क किमें चलते हैं, जहाँ पानी से दुश्वार तर है कारे जहाँ भी नहीं, जिगर खूँ हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पर। पता ही कोई नहीं किसी गल का। साड़ी चलो असी तो दाढ़ी जुर्म है साढ़ा, पगड़ी जुर्म है, तो कम अज कम इकबाल ने तो दाढ़ी नहीं रखी। उदी तालीमात के मुताबिक लैदों को पुछो इकबाल मुल्क किमें चलता है, तू दसो इकबाल ये मुल्क किमें चलता है। हजूर नाल बेवफाई करके कहना पागल हो कि मुहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। मुल्क चलाना है तो फिर हजूर की गुलामी इख्तियार करनी पड़े। क्यों जी हजरत उमर ने तो अजे तो इतने कुछ भी नहीं होया, सारे के बेहतरीन जुले चल रहे हैं। या अल्लाह सारे अपने खजाना गैब चो वाफिर रिजक दे, किसी का मोहताज न। मेरी तो दुआ है असी तो पाकिस्तान की जमीन भी सोना उगल देवन, साड़ी है दुआ है, लेकिन आयो है पेट्रोल तो डीजल वापस कभी नहीं गए। हाँ चले जाते हैं जो हजूर की तरफ कोई कंड कंड कर लवे। हाँ असी तो यह चाहते हाँ। हजरत उमर के दौर भी कात पिया, सुपर पावर मौजूद सन, आपने किसी एक सुपर पावर को रुपया नहीं मंगया। साहबा कहते हैं साढ़े जानवरों दिया खल भी सुख गई, असं हाथ मारते सी तो वह भी खुश्क हो गई, इतना व्डा कात पै गया हजरत उमर के दौरे। लेकिन अब कोई बंदा दस्य उठ के कि 36 लाख मुरबा मील कोई भुख भी मरिया हो, इतने तो अजय कुछ भी नहीं होया। तो तुम की कौम में किधर ले जा रहे, लोगों के घरों के चुल्हे बुझने शुरू हो गए, डबल डबल तुम बिल ला के दे रहे हो, नहीं चलता तो छड़ दो जान। आप ये कौम खुद अपना कोई बंदा चला लेगी उठ के कवे कि जी तुम चलाओ जाना, एडा कि वक्त पे होया। अपन गुंडागर्दियाँ मुकन तो किसी गरीब तक कोई रुपया जाएगा ना, थोड़े कोई प्रोटोकॉल मुकन दे ना, सारी तमाशा तुसे बढ़ा देता है पाकिस्तानियों ना जना, पाकिस्तानी भी तो तमाशबीन है। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।